दीन किन उलमा से सीखना है, इन उलमा से सीखना है, आप ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक बुड्ढा भड़वा वो कह रहा है कि एक बुड्ढा भड़वा वो कह रहा है कि 11 बजे से 2 बजे तक ये भेंड़चोद करो ना, 11 से 2 बजे नमाज के टाइम आता बाकी ये भेंड़चोद करो ना, 11 से 2 बजे नमाज के टाइम आता बाकी हम कहते हैं कुत्ती के बच्चे किसी कुत्ती की नस्ल, तुझे ये नहीं पता। और मिर्जा जेल में बोलेगा कहाँ से चले गए, कुत्ते दे दिमाग में जो पाऊं तो सिवा कख नहीं आऊंगा। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला वो दल्ले। पर हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। हालांकि कुरान में मौजूद है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि भंगड़े पाओ। फल या मनाओ, खुशी मनाओ, तो खुशी कैसे मनाते हैं, यूं कर खुशी कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दीन उलमा से सीखें, आलिम से सीखें। ओ भाई, ये कौन सी ऐसी बात है कि नई बात आ गई है? दीन जिसके पास इल्म होगा उसी से सीखेंगे। नहीं 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 नहीं, दीन उन उलमा से सीखना है जिनके पास डिग्रियां हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से नहीं सीखना जिसने लाखों को मुसलमान किया। डॉक्टर इसरार से नहीं दीन सीख सकते आप। गांधी से नहीं दीन सीख सकते आप। इंजीनियर से तो बिल्कुल ही नहीं सीख सकते आप। सिर्फ किन से दीन सीखना है भाईजान? सबसे पहली बात ये आप अपने ज़हनों में रखें कि कुरान ने सूरह अल-कमर में ये फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलकद यस्सरना अल-कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और हमने इस कुरान को आसान कर दिया तो कोई है जो इसे नसीहत हासिल करे। और नबी रसूल सलाम ने फरमाया था कि बल्लिगु अन्नी वलव आया, अगर तुम्हें एक आयत का इल्म भी है तो तुम उसे पहुंचा दो। और सूरह अल-असर में आया है कि जमाना गवाह है कि इंसानियत खसारे में है, सिवाय इसके कि जो ईमान लाए, अमले सवाले करे और हक बात की तलकीन करे और उसके ऊपर फिर सब्र करे। हक बात की तलकीन सब ने करनी है। फिर सूरह आल इमरान में आया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन नुखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए निकाली गई हो कि हक बात की जो है, अच्छाई की जो है वो नसीहत करते हो, तलकीन करते हो, और बुराई से रुक जाने की नसीहत करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जी, इन उलमा से सीखना है दीन, इन उलमा से सीखना है जिन्हों जो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, डिग्रियां रख रहे हैं, जो मिंबर मेहराब पर बैठे हैं पब्लिकली माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, इनसे दीन सीखेंगे। इनका इल्म, इनकी डिग्रियां जूते की नोक के ऊपर है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस बनते हैं माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, और दीन सिखाएंगे ये हमें। मेरे भाइयों, सीधी सी बात है सबसे पहली बात तो हर इंसान को अपना तस्किया नफ्स करना ही करना है। हर इंसान को अपनी जान को आलूदा होने से बचाना ही बचाना है, और कुरान वो वाहिद रास्ता है। ये कुरान के बारे में हुदल लिन्नास कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हुदल लिल उलमा नहीं कहा। इससे नसीहत हर इंसान ने करनी, और इंसान सिर्फ मुसलमान नहीं, इससे जॉन माइकल डेविड भी हिदायत लेगा। ये किसी के इस जो मुसलमानों का ये जो कोई मीरास नहीं है, मुसलमानों का ये कोई माई बाप नहीं है कि ये कुरान मुसलमानों के लिए उतरा है। हुदल लिन्नास है, जॉन माइकल डेविड हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब इससे हिदायत हासिल करेंगे, और कोई आपके बाप से पूछकर इस कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान वो खुद पढ़ेंगे, उनकी मर्जी, जहां मर्जी से डाउनलोड करें, जहां मर्जी से खरीदें, आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कैसे कुरान पढ़ना है। अभी एक इंजीनियर इनसे संभाला नहीं जा रहा, एक इंजीनियर इनसे संभाला नहीं जा रहा, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, एक डॉक्टर MBBS होने के बावजूद वो गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं और क्रिश्चियनों से संभाला नहीं जा रहा, एक इंजीनियर इन लोगों से नहीं संभाला जा रहा। इतने बड़े बड़े उलमा को डॉक्टर इसरार जैसे ये गुमराह समझते हैं, डिग्री वाले उलमा। जावेद अहमद गांधी को बिल्कुल ही फारग समझते हैं, इंजीनियर को तो बहुत ही कुछ समझते हैं, लेकिन एक इंजीनियर इनके गले में आया हुआ है, एक इंजीनियर इनके गले में आया हुआ है। कोई कुरान से गाली साबित कर रहा है, कोई कुरान से भंगड़े साबित कर रहा है, और ये इंजीनियर
इन लोगों के ऐसे गले में आया है कि बचपन की ख्वाहिश करने वाले मुफ्ती, मुफ्ती को ख्वाहिश थी बैठने की साथ, 5 मिनट बैठा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। इंजीनियर उस वक्त इसलिए नहीं बैठा, उसको यह डर था कि तुम फिजिकल धावा बोल दोगे, और अल्लाह ने उसे एक बात सुझा दी कि चलो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, इसमें तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और अब तुम्हें यह पता चल गया कि अगर मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा तो ये इल्मी धावा हो जाएगा, उधर तो फिजिकल धावा बोला जाता ना। और उस बंदे ने अपने हिकमत के तहत जो यही समझा कि जनाबे वाला ऐसे नहीं, पूरी पब्लिक को हिला कर नहीं, मजमा इकट्ठा कर कर नहीं, मिलना होगा तो अकेले मिलेंगे और तरीके से डिबेट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अब इंजीनियर इनके गले में आया हुआ है कि आ जा, बार बार बुला रहा है, आ जा ऑनलाइन आ जा। तो भाई तू तो 5 मिनट की ख्वाहिश करता था बैठने के लिए, बचपन की ख्वाहिश थी। मैं तो कह रहा हूं मुफ्ती साहब बैठो, आप नंगा करो इंजीनियर को, इसको इसको बेनकाब करो, इसका लिबादा जो इसने ओढ़ा हुआ है उतारो, पब्लिक को जो धोखा देता है, डंडियां मारता है, उतारो आके ऑनलाइन इसके साथ बैठ के। लेकिन ये राग लापना छोड़ दो, ये राग किन से दीन सीखेंगे? एक अमेरिका में बैठा हुआ है मर्द और एक लड़की बैठी हुई है पाकिस्तान में, सालों मिले कोई नहीं है, निकाह हुआ है ऑनलाइन, बच्चा हो गया, तब भी जो है वो उस मर्द का होगा। ये इन मुल्लाओं से दीन सीखेंगे जो हलाले करवा रहे हैं, इनसे दीन सीखेंगे हम? मेरे भाई जो माँ बहन की गालियां दे रहे हों, जो हलाले करा रहे हों, दो दो तीन तीन रात के साथ बच्चियों के साथ जो है वो निकाह करते हैं छुप छुप के, इनसे दीन सीखेंगे? और जूते की नोक पर इनकी डिग्रियां मेरे भाई, दीन सिर्फ या तो सबसे सीखेंगे जो भी उसमें से अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा होगा हम ले लेंगे, वरना ऐसे से तो कभी भी नहीं सीखेंगे। जो माँ बहन की गालियां मिंबरों पर दे रहे हैं, गालियां दीन से साबित कर रहे हैं, कुरान से साबित कर रहे हैं, भंगड़े डांस और लुटी पाओ कुरान से साबित कर रहे हैं वो। और बाज मुल्लाओं को अरबी का बड़ा धूस है, अरबी के ऊपर बड़ा तकबर है, वो अरबी एक जुबान है, समझने के लिए आसानी है, जिसे अरबी आती है उसे दीन समझ में आ जाए, अल्लाह की हिदायत उसे नसीब हो जाए, ऐसा होता तो 1 करोड़ के करीब कॉप्टिक क्रिश्चियंस मौजूद हैं जिनकी मादरी जुबानी मदर टंग ही अरबी है, उनको आ जानी चाहिए थी समझ फिर इस्लाम की। और ये अरबी शरबी आती भी कोई नहीं है मेरे भाई, ये ड्रामे बंद करो मेरे भाई, लोग घास नहीं खा रहे, लोगों को सब समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है।